जोहार झारखंड, आप सभी का स्वागत है ईगल आईएएस द स्टडी जोन में। तो साथियों, जैसा कि आप सब ने देखा कि पिछले दिनों ही डुमरी विधानसभा उपचुनाव में जेएमएम के बेबी महतो जी जो है भारी मतों से विजय हुए थे। और इसके साथ साथ याद रखिएगा, आज मैं आप सबके सामने झारखंड कैबिनेट, जो वर्तमान जो झारखंड कैबिनेट के सदस्यों के पास कौन कौन से विभाग है उनके बारे में चर्चा करेंगे। याद रखिएगा, जेपीएससी और जेएससी सीजीएल के तहत एक प्रश्न यहाँ से आने की काफ़ी संभावनाएं हो जाती है। जेपीएससी में तो बराबर एक प्रश्न आता है कि किस मंत्री के पास कौन सा विभाग है, तो इस पर आज हम चर्चा करेंगे। जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो कैबिनेट है या ये जो सरकार गठन हुआ था, ये झारखंड की पांचवी विधानसभा थी। और इस पांचवी विधानसभा में 2 दिसंबर 2019 को रांची के मोराबादी मैदान में श्री हेमंत सोरेन के द्वारा मुख्यमंत्री का शपथ पत्र दिया गया था, और उसके बाद वे राज्य के 11वें मुख्यमंत्री बन गए हैं। चलिए, इसके साथ साथ याद रखिएगा, तत्कालीन समय में जो स्पीकर थे वो कौन थे, तो प्रोफेसर स्टीफन मारंडी जो है प्रोटेम स्पीकर थे, उन्होंने शपथ दिलवाया था सभी को। चलिए आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे कि झारखंड विधानसभा के जो वर्तमान में जो कैबिनेट मंत्रियों की सूची है वो क्या क्या है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे जो कि राज्य को संचालित कर रहे अर्थात श्री हेमंत सोरेन जी से शुरू करेंगे। इनके पास मुख्यमंत्री का पद है, और इसके साथ साथ प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, इसके अलावा मंत्रिमंडलीय सचिवालय अर्थात सेक्रेटरिएट के भी इनके पास जो है क्या है डिपार्टमेंट है। विजिलेंस के डिपार्टमेंट इनके पास है, होम के डिपार्टमेंट इसके साथ है, साथ में जेल और कारा भी इनके पास है। कार्मिक जो डिपार्टमेंट, पर्सोनल के जो डिपार्टमेंट इनके पास है, चूंकि श्री लेट श्री जगन्नाथ महतो जी के निधन के पास इन्होंने स्कूली और साक्षरता विभाग भी अपने पास रख लिया था, तो ये डिपार्टमेंट भी अभी तक उन्हीं के पास है। शेष सभी जो मंत्रियों को आवंटित नहीं किए गए हैं, तो ये सारे डिपार्टमेंट आपको याद रखना। अगर कहीं से भी प्रश्न पूछा जाए, माननीय कार्मिक तो सवाल ही नहीं उठता है मुख्यमंत्री, स्कूली शिक्षा साक्षरता विभाग पे कन्फ्यूजन नहीं होंगे, ये कहां पर है ना, अभी जो है श्री हेमंत सोरेन जी के पास है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि दूसरा क्या है। तो आलमगढ़ आलम जी, इनके पास कौन कौन सी हैं डिपार्टमेंट है, तो पंचायती राज है, इसके साथ साथ संसदीय कार्य मंत्री हैं, ग्रामीण विकास और ग्रामीण कार्य भी हैं। तो इनके पास याद रखना है रूरल डिपार्टमेंट है, रूरल डेवलपमेंट है, पंचायती राज जो है पंचायती राज के भी और संसदीय कार्य मंत्री भी ये हैं। तो आलमगीर आलम जी को याद रखना है, स्पेशल रूप से याद रखिएगा, पंचायती रूरल डिपार्टमेंट और रूरल जो रूरल डेवलपमेंट, ये तीनों पोस्ट आपको याद रखना है, संसदीय कार्य मंत्री। चलिए आगे बढ़ते हैं, बादल पत्रलेख जी, श्री बादल पत्रलेख जी के पास क्या है, तो याद रखिएगा कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, ये सारे विभाग जो है किनके पास है, तो श्री बादल पत्रलेख जी के पास है। तो झारखंड कैबिनेट में और भी आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि चौथे हमारे कौन सदस्य है, तो श्री रामेश्वर उरांव जी के पास। तो याद रखिएगा खाद्य सार्वजनिक वितरण और उपभोक्ता मामले, इसके साथ साथ फाइनेंस डिपार्टमेंट, योजना और विकास और वाणिज्य कर, ये सारे डिपार्टमेंट किसके पास है, तो ये सारे डिपार्टमेंट याद रखिएगा कि ये सारे डिपार्टमेंट श्री रामेश्वर उरांव जी के पास है। मिथिलेश ठाकुर जी के पास कौन कौन से डिपार्टमेंट है, तो याद रखिएगा पेयजल और स्वच्छता विभाग, तो ड्रिंकिंग और जो स्वच्छता विभाग है वो विभाग इनके पास है, जो श्री मिथिलेश ठाकुर जी के पास है। चलिए आगे बढ़ते हुए देखते हैं चंपई सोरेन जी के पास क्या है, तो अनुसूचित जाति पिछड़ा वर्ग कल्याण, अनुसूचित जनजाति परिवहन विभाग, ये सारे विभाग है, अर्थात अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण के डिपार्टमेंट है, और साथ में परिवहन विभाग भी जो है श्री चंपई सोरेन जी के पास है। चलिए बन्ना गुप्ता जी, तो आप सभी को याद होगा आपदा प्रबंधन विभाग, चूंकि आपने देखा था 2019 के समय लॉकडाउन के समय में जो है इनकी तत्परता देखी गई थी, और संपूर्ण झारखंड में जो व्यवस्थाएं थी इनके द्वारा संभाला गया था, और सारे पूरे इंडिया में जो है हमारा लॉकडाउन के दौरान कार्यों को सराहाया गया है। तो चलिए आपदा प्रबंधन विभाग, स्वास्थ्य और चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग किनके पास है, तो श्री बन्ना गुप्ता जी के पास है। हफीजुल हसन अंसारी, याद रखिएगा हफीजुल हसन अंसारी जी के पास क्या है, तो पर्यटन खेलकूद अल्पसंख्यक कल्याण, ये याद रखना है अल्पसंख्यक कल्याण किसके पास है, तो हफीजुल हसन अंसारी जी के पास है। युवा कार्य एवं निबंधन, कला एवं संस्कृति विभाग, ये सारे विभाग पर्यटन खेलकूद अल्पसंख्यक कल्याण, युवा कार्य एवं निबंधन, कला एवं संस्कृति विभाग किसके पास है, तो हफीजुल हसन अंसारी के पास है। ऐसे प्रश्न याद रखिएगा, इन कैबिनेट में से एक प्रश्न पूछने की आशंका रहती है, जेपीएससी में तो बराबर एक प्रश्न
सीजर रहता है कैबिनेट से ही, और हो सकता है कि जेएसएससी सीजर या झारखंड के डिफरेंट एग्जाम में जो है एक प्रश्न इनसे भी पूछा जाए। तो ध्यान में रखिएगा, सारी चीज़ों को एक बार याद कर ले। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बेबी देवी महतो, डुमरी विधानसभा उपचुनाव में आपने देखा कि बेबी देवी महतो जो है भारी मतों से विजय हुए। इनके पास क्या है, उत्पाद और मद निषेध विभाग है इनके पास वर्तमान में, और जीतने के बाद वे इसी के मिनिस्टर रहेंगे, अर्थात एक्साइज डिपार्टमेंट जो है इनके पास है। चलिए, जोबा मांझी, महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग जो है इनके पास है, तो जोबा मांझी के जी के पास है, तो याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, सत्यानंद भोक्ता जी के पास क्या है, तो सत्यानंद भोक्ता जी के पास श्रम रोजगार प्रशिक्षण कौशल विकास अर्थात एम्प्लॉयमेंट, इसके साथ साथ जो है स्किल और ट्रेनिंग के जो डिपार्टमेंट है वो किसके पास है, तो सत्यानंद भोक्ता जी के पास है। तो ये 11 जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं झारखंड के पांचवें विधानसभा के, वर्तमान स्थिति जो है यही है। सबको आपको ध्यान में रखना है, और कहीं से भी अगर प्रश्न पूछा जाए तो उसको क्या करना है, आपको तुरंत उसका उत्तर देना है। तो चलिए, ऐसे ही महत्वपूर्ण सूचनाओं के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए ईगल आईएस द स्टडी जोन में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।